अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अमित मोहन प्रसाद जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। कृपया शांति बनाए रखें, आप सब अपने स्थान पर बैठें। आप बैठकर भी देख पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और वे इस समय स्वागत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये सुंदर सी कलाकृति। और अब तालियां बहुत हल्की हैं आपकी, आप जोश में लगते नहीं हैं, बहुत धन्यवाद। और अब मैं एसीएस महोदय से कहूंगा स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का, श्री राकेश सचान जी का, माननीय मंत्री एमएसएमई। मैं सचिव श्री प्रांजल यादव जी से अनुरोध करूंगा कृपया मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करें। श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय हमारे मंच पर विराजमान हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं सचिव एमएसएमई श्री प्रांजल यादव जी। और मैं डीआई महोदय से श्री राजेश जी से अनुरोध करूंगा कृपया आईआईटीसी महोदय का, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी का स्वागत करें। श्री राजेश जी, डीआई साहब से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा श्री अमित मोहन प्रसाद जी एसीएस का अभिनंदन करें जी। और मैं अनुरोध करूंगा श्री प्रांजल यादव जी से, हमारे बीच विशेष मेहमान हैं डॉक्टर बालू केंचप्पा जो क्षेत्रीय निदेशक हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर बालू केंचप्पा हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक लखनऊ अंचल शरद एस चांडक जी मौजूद हैं। और हमारे बीच समीर रंजन पंडा जो राज्य समन्वयक हैं एसएलबीसी के, वो भी हमारे बीच हैं। और इन तीनों का स्वागत होते हुए, और अब विश्व के पहले अभियंता और वास्तुकार तथा ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस सृष्टि की रचना करने वाले भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा अतिथियों से कृपया विश्वकर्मा भगवान को पुष्पांजलि देकर उनका स्मरण करें जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की ब्रह्मा जी के साथ मिलकर। दुनिया के पहले अभियंता और वास्तुकार थे भगवान श्री विश्वकर्मा जी। पुष्पांजलि के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में टूल किट वितरण होना है और एमएसएमई क्षेत्र हेतु 50,000 करोड़ रुपए के इस मेगा ऋण वितरण महाउत्सव का आयोजन पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज हो रहा है। और उस संबंध में लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज टूल किट आपको सौंपी जा रही है और ऋण की राशि भी आपको सौंपी जा रही है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश को आने वाले वर्षों में सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो आज के इस कार्यक्रम में अभ्यागतों के स्वागत के लिए अब मैं अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री अमित मोहन प्रसाद, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय, सचिव एमएसएमई, क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री बालू केंचप्पा, मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्री शरद चांडक, महाप्रबंधक एसएलबीसी एवं बैंक ऑफ बड़ौदा श्री समीर रंजन पंडा, प्रदेश के कोने कोने से आए विश्वकर्मा साथियों, उद्योग विभाग एवं बैंकों के अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों तथा वीडियो लिंक के माध्यम से प्रदेश के 75 जनपदों से जुड़े हुए समस्त महानुभाव, विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इस कार्यक्रम हेतु समय निकाला है। आज के दिन मैं अभिनंदन करता हूं अपने उन साथियों का जिन्हें हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से टूल किट्स का वितरण करवा रहे हैं, तथा उन सभी उद्यमियों का जिन्हें एमएसएमई की योजनाओं के लिए ऋण का वितरण हो रहा है, जो हमारे प्रदेश के दूर दूर से आए हुए कारीगर साथी हैं,
आपका हुनर अतुलनीय है एवं अद्वितीय है। अपने हाथों से पत्थरों में जान फूंकने वाले, बांस को बांसुरी बनाने वाले, लोहे के टुकड़े को हल और फावड़ा बनाने वाले, ईंट गारे को अट्टालिका में परिवर्तित करने का आपका कौशल अद्वितीय है और इसीलिए आप सभी भगवान विश्वकर्मा की संतान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील एवं प्रगतिशील सोच से जो योजना प्रदेश में 2018 में प्रारंभ हुई थी, वह अब पूरे राष्ट्र में पीएम विश्वकर्मा के रूप में प्रारंभ होने जा रही है। एमएसएमई के सेक्टर के द्वारा कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है, यह हम सब जानते हैं। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बैंकों की बड़ी भारी भूमिका है। प्रदेश के सभी बैंकर माननीय मुख्यमंत्री जी की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की परिकल्पना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तथा आज उनके सहयोग से एमएसएमई सेक्टर हेतु 50,000 करोड़ से अधिक रुपए का ऋण वितरित किया जा रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इस हेतु मैं सभी बैंकर साथियों का पुनः स्वागत करता हूँ। एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत और आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव महोदय। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं ये फिल्म। सदियों से अपनी विशिष्ट सेवाओं के चलते समाज का अभिन्न हिस्सा रहे पारंपरिक कारीगरों के हुनर को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र वोकल फॉर लोकल के अनुरूप नई दिशा मिली है। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में, हमारे देश में बनी हुई चीजों को खरीदने में, रोजगार भी उसी से पैदा होने वाला, अर्थव्यवस्था भी उसी से तेज गति से बढ़ने वाली है और देश के गरीब से गरीब को सम्मान भी उसी से प्राप्त होने वाला। पारंपरिक कारीगरों के सम्मान और स्वावलंबन का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव पहल विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। यह योजना न केवल आर्थिक मदद का माध्यम बनी है बल्कि डिजिटल पेमेंट्स और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी बनी है। कभी काम की तलाश में पलायन को मजबूर पारंपरिक कारीगर और हस्तशिल्पी आज अपने हुनर से नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनकर उभरे हैं। पूंजी के चलते कोई पारंपरिक उद्यम बंद ना हो, इसका ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ODOP वित्त पोषण सहायता योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से गारंटी फ्री लोन के साथ ही ODOP और एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को प्रोत्साहित किया है। एमएसएमई के साथ साथ समाज के लिए हमारे विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जो कारीगर हैं, इनके बगैर समाज की व्यवस्था नहीं चल सकती है, समाज की दूरी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत इस वर्ष से प्रशिक्षण अवधि 6 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। इससे कारीगरों को RPL प्रमाणीकरण प्राप्त होगा, पूरे देश में उनके हुनर को मान्यता मिलेगी। प्रशिक्षण अवधि में कारीगरों के परिवार की जीविका प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन ₹400 मानदेय की व्यवस्था की गई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत अब तक 2,18,000 से अधिक कामगारों को प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराए गए हैं। इससे कम श्रम, लागत एवं समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित हुआ है। आज विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट वितरण एवं MSME क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा रहा है। सभी लाभार्थी शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देकर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी उपयोगी भूमिका निभाएंगे। कारीगरों को सम्मान और रोजगार,
डबल इंजन की सरकार। मित्रों, एमएसएमई उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है और आज लगभग 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश देश में एमएसएमई घनत्व के मामले में पहले स्थान पर है। अब मैं विनम्रता के साथ माननीय मंत्री एमएसएमई खादी एवं ग्रामोद्योग रेशम हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग श्री राकेश सचान जी को उनके भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आज लोक भवन में विश्वकर्मा जयंती के पूर्व संध्या पर आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह जी, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद जी, हमारे विभाग में सचिव प्रांजल यादव जी, आयुक्त एवं निदेशक राजेश कुमार जी और हमारे बीच में समीर रंजन पंडा राज्य समन्वयक SLBS और हमारे बीच में डॉक्टर बालू केलचप्पा क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक और इस सभागार में उपस्थित हमारे परंपरागत उद्यमी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े सभी कारीगर हस्तशिल्पी और हमारे पत्रकार साथियों और सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण और उपस्थित साथियों, सबसे पहले मैं विश्वकर्मा भगवान के चरणों पर शीश नमन करता हूँ कि जिनके रचना से आज ये सृष्टि निरंतर नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है $1 trillion इकोनॉमी का, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बनाने का, उसमें अहम भूमिका हमारे एमएसएमई के लोगों की है और लोगों का प्रयास है। और जिस तरह से 5 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार से भी जोड़ा गया, लगभग अब तक 2,18,000 लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई, टूल किट दिया गया और रोजगार से हमारी इस योजना ने उसे पूरे प्रदेश में जो परंपरागत हमारे कारीगर थे, चाहे बढ़ई हो, दर्जी हो, टोकरी बुनकर हो, नाई हो, सुनार हो, कुम्हार, हलवाई या मोची, राजमिस्त्री, धोबी, परंपरागत कारीगरी के जो लुप्त होती जा रही थी पुरानी सरकारों में, सब हतोत्साहित थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की इस विशेष योजना में और आपके मार्गदर्शन में जो ये कार्यक्रम चला, इससे लगातार हमारे कारीगर और ये हस्तशिल्पी लगातार इनको जो टूल किट दी जा रही है, जो इनको ट्रेनिंग हम लोग 10 दिन में 400 रुपये भत्ता दे करके और टूल किट वितरण करके उनको रोजगार से भी जोड़ने का काम हो रहा है। इससे पूरे प्रदेश में एक तो रोजगार की बढ़ोतरी हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग जो घरों में बैठे थे उनको एक काम मिलने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही प्रयास से ODOP
योजना भी उत्तर प्रदेश में चालू की गई, जिसमें 75 जनपद के जो परंपरागत उत्पाद थे आज उनकी पहचान पूरे देश और दुनिया में दिखाई दे रही है। और सबसे अहम बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर उत्तर प्रदेश में कोई आता है तो गिफ्ट के तौर पर ODOP के जो हमारे इन कारीगरों के द्वारा अपनी मेहनत से तैयार किया हुआ उत्पाद है वही दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब राष्ट्राध्यक्ष जितने भी अभी हमारे उत्तर प्रदेश में G20 के कार्यक्रम में आए उनमें सभी को गिफ्ट ODOP के उत्पाद को ही दिया गया, जो लगातार ब्रांडिंग हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी किया जा रहा है। और इससे आज ODOP योजना हो, उत्तर प्रदेश के मॉडल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनाया और पूरे देश में ODOP उन्होंने इस वर्ष लागू किया। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच और सूझबूझ से जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश ने लागू की, आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को संपूर्ण देश में लागू करने का काम किया है, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया। अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से हम लोगों का 75,000 ऐसे जो हस्तशिल्पी कारीगर थे, जो परंपरागत उद्यमी थे, उनको हम लोग ट्रेनिंग दे करके उनको ऋण योजना से, टूल किट योजना से जोड़ते थे। लेकिन कल से जो योजना शुरू हो रही है उस योजना में भी जो 13,000 करोड़ रुपए और हमारा कल से वो पोर्टल भी शुरू हो जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी 1,04,000 ऐसे और लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है, जिनको टूल किट भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी होगी। तो इस तरह से लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान में 1,79,000 लोगों को, जो परंपरागत हमारे छोटे छोटे कारीगर हैं, उनको लाभ होने जा रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारी उत्तर प्रदेश की योजना को भारतवर्ष ने अपने पूरे देश में लागू करने का काम किया है। मैं आज इस अवसर पर, कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा बैठक में इस योजना में और तमाम लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कहा, हम लोगों को निर्देश दिए। और गांव में इस तरह से जो ग्राम पंचायत में कि जो हमारे एक ऐसा सपना माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हमारा गांव जो सक्षम गांव है वहां पर अगर एक बाजार संकुल बनाए जाने की, जिसकी पूरी दिशा पर हमारा विभाग आगे बढ़ चुका है, जिसकी चिट्ठी भी हम लोगों ने पंचायती राज विभाग को दे दिया है, ACS महोदय भी हैं जो लगातार उस मीटिंग में भी थे, कि अगर कोई हम लोग ट्रेनिंग करा करके किसी मोची को, लुहार को, कुम्हार को, दर्जी को अगर ट्रेनिंग देते हैं, टूल किट देते हैं, अगर उस नाई को अगर उसकी इच्छा है कि हम वहाँ दुकान खोलें, तो उसकी भी व्यवस्था सरकार ने सोची है कि हर गांव में इस तरह का बाजार बने और उनको दुकान आवंटित की जाए, जिससे कि उनको रोजगार भी मिले और हमारे ग्रामवासियों को भी सुविधा हो, जो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि वोकल फॉर लोकल का उत्पादन हो और हमारे तमाम जो हस्तशिल्पी कारीगर हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाए। तो इस तरह से लगातार हमारी सरकार का प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और मुख्यमंत्री जी के जो विजन है उसके अनुरूप लगातार हम ऐसे तमाम जो उपेक्षित पड़े थे लोग उनको रोजगार में जोड़ने का पूरा काम हो रहा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उत्तर प्रदेश की गद्दी जब से संभाली तो उस समय से जो कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था आज सब पूरे देश के, अगर कहीं भी कोई बड़ी घटना होती तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि कुछ दिन के लिए योगी जी को भेज दीजिए, यहाँ व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो आज हमारे कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश में है और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि यहाँ आज पूरी तरह से हमारे उद्यमी सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं और कानून का राज है।
और ठीक उसी तरह से आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हो रहा है, आज जिस तरह से सड़कों का चारों तरफ जाल बिछरा है, आज एक्सप्रेसवे चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल हो, या हमारा आगरा एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे या जितनी भी हमारी जो सड़कें हैं, रोडें हैं, जो आप हर तरह से आप चले जाइए, चारों तरफ जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से 24 घंटे हमारे उद्यमियों को बिजली मिलने का काम हो रहा है, वही नतीजा था कि अभी जो इन्वेस्टर मीट हुई उसमें 35 लाख करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई। और आज हमारे विभाग ही के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया है कि सबको ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयारी रखनी है और इसी वित्तीय वर्ष में कम से कम आधे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हम लोगों को निवेश उत्तर प्रदेश में की जमीन पर कराना है, जिससे कि हमारे तमाम लोगों को रोजगार मिल सके और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। ऐसी सोच रखने वाले हमारे मुखिया हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश का संचालन कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी के आज दिशा निर्देश पर लगातार एमएसएमई सेक्टर आगे बढ़ रहा है और हर तरह से आज एमएसएमई सेक्टर ने, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन किया, 90 लाख ऐसे एमएसएमई सेक्टर जो जीएसटी से के दायरे से नीचे थे उनको कहीं कोई लाभ नहीं मिलता था, उस योजना के शुरू हो जाने से आज रजिस्ट्रेशन की गति भी बढ़ रही है, उद्यम पोर्टल में लगातार रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर सारे उद्यमी मानते हैं कि कम से कम 5 लाख का दुर्घटना बीमा की गारंटी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। आज उसी तरह क्रम में आज जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़ा है, कहाँ 75,000 करोड़ से लगा करके आज 1.5 लाख करोड़ के ऊपर हमारा निर्यात बढ़ा है, उसमें भी एमएसएमई सेक्टर ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में जो भी हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो भी ODOP की योजनाएं, आज जिस तरह से आज लोन का वितरण हो रहा है, अभी एमएसएमई डे 27 जून को था, 20,000 करोड़ का लोन उस दिन से तिमाही तक बांटा गया, आज 50,000 करोड़ का ऋण पूरे उत्तर प्रदेश में आज दिया जा रहा है, तो ये बड़ी सफलता है। हमारे बैंक के अधिकारी लोग बैठे हैं, सारे प्रदेश के अधिकारी लोग बैठे हैं, इस तरह से आज जो इसमें जुड़े ODOP योजना में माननीय मुख्यमंत्री, जो बीमा योजना है, जो प्रधानमंत्री योजना है, जो हमारी PMG की कार्यक्रम है, जितने भी ODOP के से लोन से जुड़े कार्यक्रम हैं, आज उन सभी को पूरे 75 जनपद में ऑनलाइन ये प्रोग्राम चल रहा है और टूल किट जहाँ बटनी है वहाँ टूल किट भी बट रही है और पूरी मजबूती के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में MSME सेक्टर ने जो अपनी मजबूती से आगे बढ़ने का पूरी तरह से जो आज प्रयास हो रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसने सहयोग रहता है। मैं ये जरूर कहूंगा कि मनोहर अभी जो आज कल योजना माननीय प्रधानमंत्री जी चालू कर रहे हैं, उस योजना में टूल किट में कुछ विसंगतियां हैं, अभी आपने आश्वस्त भी किया है कि हम उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि वहां पर 15,000 रुपये की टूल किट बटेगी और हमारे यहां कुछ पैसा कम है, तो हमें निश्चित तौर पर भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी समानता लाएंगे, जिससे प्रदेश और देश की योजना सामान्य रूप से चल सके। आज मैं इसी अवसर पर जितने भी यहाँ उद्यमी हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और विश्वकर्मा जयंती के इस अवसर पर सभी को बधाई देते हुए, अपने इस कार्यक्रम में आए हुए जितने भी लोग हैं उनका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब समय है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं ODOP योजना के लाभार्थियों को टूल किट वितरण होगा और MSME योजना के उद्यमियों को ऋण वितरण होगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सहृदय मुख्यमंत्री महोदय से, जो हमेशा इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं, मंच के अग्रभाग में कृपया पधारने का, स्वयं आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और सबसे पहले इस क्रम में मैं आवाज दे रहा हूं अशोक कुमार विश्वकर्मा को। अशोक कुमार विश्वकर्मा उन्नाव के रहने वाले हैं और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में लोहार के कार्य के लिए 10 लाख रुपए का ऋण। समर्पित त्रिपाठी, इसके पश्चात समर्पित त्रिपाठी, हरदोई के समर्पित त्रिपाठी हलवाई का कार्य करने के लिए 6,60,000 रुपए का ऋण और टूल किट प्राप्त कर रहे हैं। अद्भुत क्षण है ये। प्रेमचंद्र, बाराबंकी के प्रेमचंद्र विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में पढ़ाई के कार्य के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 2,00,000 रुपए का ऋण प्राप्त कर रहे हैं और टूल किट भी। स्वयं बातचीत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और उसके पश्चात कानपुर नगर के शंकर कश्यप मंच पर आ रहे हैं, जो हलवाई के कार्य के, शंकर कश्यप कानपुर नगर के, 50,000 रुपए का ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत हलवाई के कार्य के लिए। एक एक बारीकी के साथ वार्तालाप करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। और कानपुर नगर की श्रीमती पुष्पा तेजी के साथ मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आ रही हैं, दर्जी के कार्य के लिए 1,00,000 रुपए का ऋण लेकर ये कार्य करेंगे। और उसके पश्चात रोशनी, श्रीमती रोशनी कानपुर नगर की, दर्जी के कार्य के लिए 1,00,000 रुपए। ये बच्चा इनके साथ है, आप देख पा रहे हैं, ये जोर से बहुत देर से हॉल में बता रहा है कि इसकी माँ उद्यमी है। और ये श्रीमती रोशनी दर्जी के कार्य के लिए 1,00,000 रुपए का ऋण प्राप्त कर रही है। हमारी महिला शक्ति, स्त्री शक्ति, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वार्तालाप, सागर कनौजिया, इसके पश्चात सागर कनौजिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में कानपुर नगर के सागर कनौजिया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। रामानुज तिवारी इसके पश्चात आ रहे हैं, जो दर्जी का कार्य करने के लिए 1,00,000 रुपए का ऋण प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके पश्चात तरुण कुमार वर्मा, सोनार का कार्य करने के लिए तरुण कुमार वर्मा टूल किट प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात सेबी बेगम, कौशाम्बी की सेबी बेगम नाई का कार्य करने के लिए टूल किट प्राप्त कर रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से।
तालियां आप सोच कर बजा रहे हैं, बिना सोचे जोरदार तालियां बजाएं। नीरज कुमार, लखनऊ के नीरज कुमार, कुम्हार का कार्य करने के लिए टूल किट प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे क्षण इस प्रदेश में बार बार आ रहे हैं मित्रों, जब स्वयं मुख्यमंत्री बहुत प्रोत्साहित पुष्पेंद्र कुमार, कन्नौज के पुष्पेंद्र कुमार ओडीओपी योजना के अंतर्गत इत्र उत्पाद के लिए टूल किट प्राप्त करेंगे। घनश्याम शर्मा, फिरोजाबाद के घनश्याम शर्मा कांच उत्पाद के लिए ओडीओपी के अंतर्गत टूल किट प्राप्त कर रहे हैं। और कौशाम्बी के मोहम्मद अली आपके बीच हैं, बढ़ई का कार्य करते हैं, टूल किट प्राप्त कर रहे हैं आज। एसएलपीसी और विभिन्न बैंकों के सहयोग से पूरे प्रदेश में ऋण वितरित हो रहा है आज। सबसे पहले आशुतोष कुमार गुप्ता, ट्रेडिंग ऑफ पातंजलि ऑयल के लिए 2.5 करोड़ रुपए का ऋण बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त हो रहा है। राजेश जुनेजा, ट्रेडिंग ऑफ गिफ्ट आइटम्स के लिए एसएमई लोन बैंक ऑफ बड़ौदा 40 लाख रुपए का लोन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। दुर्गापति त्रिपाठी, कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करने के लिए दुर्गापति त्रिपाठी जी आज 85 लाख रुपए का इंडियन बैंक के सौजन्य से ऋण प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। अंकित कुमार रावत, अमित कुमार रावत कृपया मंच पर आएं। अमित कुमार रावत कॉरुगेटेड बॉक्सेस के लिए 47.5 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर रहे हैं। नीतू सिंह, एक बार पुनः मात्र शक्ति मंच पर है मित्रों। नीतू सिंह, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, 10 लाख रुपए का ऋण मुद्रा योग के अंतर्गत केनरा बैंक से प्राप्त कर रही हैं। आदित्य सिंह कृपया मंच पर मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत ट्रेडिंग के लिए 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करते हुए कल्पना अवस्थी मंच पर है, रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इनको ऋण मिल रहा है। प्रेरणा पांडे लगातार एक के बाद एक स्त्री शक्ति मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रेरणा पांडे 47.5 लाख रुपए का लोन। और इसके पश्चात अनूप श्रीवास्तव कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 15 लाख रुपए का ऋण। नीतू चौधरी गोद में बच्चा लेकर एक मां उद्यमी भी है, मंच पर है, 47.5 लाख रुपए का ऋण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लेते हुए। अद्भुत क्षण है, आप इस क्षण के लिए तालियां बजाएं। ये अद्भुत क्षण है जब भारत में उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति उद्यमी भी है। और उसके पश्चात अंकित श्रीवास्तव, रिटेल ट्रेड ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, अंकित श्रीवास्तव। रेनू वर्मा विमेन सैलून के लिए 14,25,000 रुपए का लोन आर्यावर्त बैंक से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपने सहृदयता के साथ इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद दिया मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, आपको याद दिला दूं कि अभी पिछले माह 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर प्लेज पार्कों की पहली किश्त के चेक वितरण के साथ तथा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के शुभारंभ के मात्र एक महीने के भीतर आज वृहद स्तर पर टूल किट वितरण और 50,000 करोड़ रुपए का मेगा ऋण वितरण, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की
उच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में विकास का रथ तेजी के साथ घुमाने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन के लिए पधार चुके हैं। विश्वकर्मा दिवस के पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक डॉक्टर बालू केनचप्पा जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग श्री अमित मोहन प्रसाद जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री शरद एस चांडक जी, कोऑर्डिनेटर SLBC श्री समीर रंजन पंडा जी, MSME विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी जो बैंकर्स हैं और प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे हस्तशिल्पी उद्यमी और प्रदेश में अपनी हुनर के लिए जिन्होंने और जिनके पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर किया है, ऐसे सभी हस्तशिल्पी और कारीगर उपस्थित भाइयों बहनों, सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि सृष्टि के शिल्पी और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ रहा है। भगवान विश्वकर्मा ने अगर इस सृष्टि की रचना की है तो मोदी जी ने नए भारत की रचना में 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी व्यापक अपने विजन के माध्यम से भारत को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। और आज इसीलिए एक तरफ विश्वकर्मा जयंती और दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल भारत की एक बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे जो हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है, उस दृष्टि से राज्य शासन के द्वारा संचालित इस योजना को पूर्व संध्या पर हम लोगों ने किया है। विभाग को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मैं इस अवसर पर अपने राज्य से जुड़े हुए सभी बैंकर्स को, यहां पे रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय समन्वयक भी आए हैं, क्षेत्रीय यहां पर निदेशक आए हैं, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक और SLBC के साथ साथ हमारे बैंकर्स, जो बैंक के महाप्रबंधक मुख्य महाप्रबंधक गण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इन्होंने प्रदेश के उद्यमियों के लिए प्रदेश भर में जहाँ कहीं भी प्रदेश सभी 75 जनपदों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें हमारे सांसद माननीय विधायक गण
प्रदेश सरकार के मंत्री उन कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के 50,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारता है। आपने देखा होगा सन 2018 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से परंपरागत उद्यम के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश की एक अभिनव योजना थी। ये केवल प्रदेश के हुनर को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का नहीं था, उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करना भी था। और याद रखना, कोई भी बड़ा उद्यम, कोई बड़ा उद्योग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि एमएसएमई का एक बेहतरीन क्लस्टर उसके पास मौजूद न हो। और उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि एमएसएमई का एक बहुत बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास परंपरागत रूप से था, लेकिन उपेक्षित था, बंदी के कगार पर था, दम तोड़ रहा था। और तब 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना ने परंपरागत उद्यम में एक जान फूंकी, लाखों लोगों को इसके साथ रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। और देखते ही देखते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे देश की योजना बन गई। प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला इसको माना और आज ये पूरे देश की योजना बन चुकी है। इसी प्रकार से सन 2019 में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने अपने गांवों में निवास करने वाले, कस्बों में निवास करने वाले परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए नाव है, मोची है, धोबी है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, हलवाई है, स्वर्णकार है, इन सभी 17-18 जो अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्पी और कारीगर गांवों में या कस्बों में निवास करते हैं, उसकी आवश्यकता, उस गांव को उसने, उसके पूर्वजों ने कभी आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन समय के अनुरूप लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोग अपने तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा था। श्रम का सम्मान मिले और उसे हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना जनवरी 2019 में हम लोगों ने प्रारंभ की। मुझे प्रसन्नता है अब तक 1,00,000 से अधिक ऐसे कार्यकरों को, ऐसे हस्तशिल्पियों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाया, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करने का कार्य किया। मैं भी पूछ रहा था, एक नाउ प्रशिक्षण लेने के बाद टूल किट प्राप्त किया, टूल किट प्राप्त करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ कितना पैसा लेते हैं? उन्होंने बताया बाल बनाने का 40 रुपया, दाढ़ी वगैरह बनाना हो 30 रुपया, लेकिन गांव में अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से करता है तो पेड़ के नीचे या किसी चौराहे पे जमीन पे बैठ के करता है, कोई 5 रुपया देता है, कोई 5-7 रुपया देता है, ऐसे दे करके उसको छुट्टी कर देता है। लेकिन अगर यही नौजवान सैलून बनाने का काम, सैलून बना ले और सैलून बना करके थोड़ा सिस्टम के साथ उसको जोड़ दे,
तो पैसे की झड़ी लग जाएगी उसके पास। तब उसको 5 रुपये 7 रुपये में नहीं, मुझे लगता है 100 रुपये से कम में उसका काम नहीं चलेगा। 100 रुपया उसको तत्काल मिल जाएगा, कोई भी जाएगा 100 रुपया देगा वहां पे उसको। उसके श्रम का सम्मान हो रहा है और श्रम को सम्मान के साथ जोड़ने का ही ये कार्यक्रम विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ जोड़ा गया था। और कल इसको एक बड़े स्केल में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के रूप में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से योजना कल प्रारंभ होगी। भाइयों बहनों, ऐसे ही कारीगरों का है, हमारे पास बढ़ई है, बहुत अच्छे अच्छे बढ़ई है, अच्छा फर्नीचर देते हैं, घरों के सभी काम वही उन्हीं के माध्यम से होता रहा है, लेकिन समय के अनुरूप उनको डिजाइन नहीं मिल पाई, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई। परिणाम क्या था, वे वहीं तक सीमित रह गए। उनके हुनर की कीमत लोगों ने नहीं पहचाना। परिणाम क्या था, वो अपने गांव तक सीमित हो गया। अगर हम उसको डिजाइन दे दें, उनकी ट्रेनिंग दे दें, उस प्रकार के टूल किट उपलब्ध करवा दें, फिर उन्हें हम मार्केट के साथ जोड़ने का कार्य कर दें, उनके लिए शोरूम बनाने के लिए पैसे में सहयोग करवा दें, क्यों नहीं वह किसी इटली के बड़ी कंपनी को फेल कर दे, अवश्य कर देगा, क्योंकि यह हुनर इसके पास है। जो परिश्रम करेगा, जो पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ेगा, उसके लिए दुनिया की कोई चीज असंभव नहीं। असंभव शब्द उन्हीं के लिए आता है जो पुरुषार्थहीन है, जो परिश्रम से भागता है। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है, उसको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए। और ये दोनों योजनाएं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, ये दोनों हमारे परंपरागत उद्यमियों को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म है, आगे बढ़ने का एक अवसर है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बैंकर्स का। बैंक, एक तो मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं। एमएसएमई के लिए जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार को भी बहुत ज्यादा हायतोबा नहीं मचाना होता है। बड़ा उद्यम लगाना होता है तो उसके लिए लैंड की आवश्यकता पड़ती है, लैंड बैंक बनाना पड़ता है, वहां पर तमाम प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ती हैं। एमएसएमई के किसी यूनिट के लिए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति अपने छोटे से उसके माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था आगे बढ़ा सकता है। पूंजी भी कम लगती है, लेकिन सब एमएसएमई यूनिट में या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जितने भी हस्तशिल्पी कारीगर हैं, अभी जो व्यक्ति नाव का काम कर रहा है अकेले करेगा, लेकिन अगर वो सैलून खोल देगा और सैलून में 4-5 कुर्सी लगा देगा, तो एक व्यक्ति अपने साथ कम से कम 5 से 7 नए लोगों को रोजगार दे सकता है। यानी कल तक जो व्यक्ति स्वयं भटक रहा था, आज 5 से 7 नए लोगों को अपने साथ ट्रेनिंग दे करके और उनको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। और मैं देख रहा था यहां पे महिलाएं भी उसमें पीछे नहीं है, वे भी उस ट्रेनिंग के साथ जुड़ी और उनको भी लगा कि नहीं, हम भी अच्छा काम कर सकती हैं। उन्हें टूल किट वितरित हुआ, उनको ऋण भी उपलब्ध हुआ। और मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए मैंने इस बारे में एमएसएमई विभाग से कह रखा है कि भाई दोनों योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो पहले ही दिन से उसको मुनाफा नहीं होता, पहले दिन से मुनाफा नहीं होता उसे, मुनाफा आने में थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, उसकी पूंजी भी है, उसको बैंक का कर्ज वो पूरा कर सके, इसके लिए हम उसको प्रोत्साहित करें, उसकी ट्रेनिंग
डिजिटल पेमेंट के साथ उसको जोड़ना है। दूसरा, हम एक व्यवस्था और कर सकते हैं कि जैसे ट्रेनिंग के दौरान, पहले हम लोगों ने कहा भाई ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि वो रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति है, इसलिए प्रयास होना चाहिए कि ट्रेनिंग के दौरान उसको निश्चित मानदेय भी मिले, जिससे उसके बच्चे भूखे न रह सके। और हर ट्रेनिंग के साथ उस परिवार को मानदेय दिया जाता है, ट्रेनिंग के उपरांत टूल किट और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है, और टूल किट और सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने के बाद फिर इस प्रकार के लोन मेले के साथ उन्हें लोन उपलब्ध करवाने का कार्य है। लेकिन अभी एक कार्य बाकी है कि जो लोन में ब्याज लगता है, इस ब्याज पर उन्हें सब्सिडी सरकार से उपलब्ध हो। अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपया लिया है और 5 लाख रुपये में उस व्यक्ति पे अगर 25,000 या 30,000 रुपये का इंटरेस्ट आया है, तो हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अगर डिजिटल पेमेंट से उस व्यक्ति ने अपना समय पे किस्त जमा की है, तो इस 30,000 की राशि में एक राशि, एक हिस्सा राज्य सरकार वहन करे, राज्य सरकार उसको सब्सिडी दे, जिससे वह ब्याज के उससे मुक्त होकर के मूल धन की तरफ आगे बढ़ सके, और उससे इन कारीगरों को काफी प्रोत्साहन होगा और बैंकर्स को भी सुविधा होगी, बैंक को भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसको अगर हम तेजी से कर सकेंगे, एक दूसरा, प्राथमिकता के आधार पर एमएसएमई यूनिट को और हस्तशिल्पी और कारीगरों को ग्राम पंचायत के अंदर, हम लोग 58,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण कर चुके हैं, उसके पास ही एक हॉट का निर्माण करना बन सकता है। गांव में बड़ी ग्राम पंचायत, अब तो बड़ी बड़ी भी ग्राम पंचायतें हैं, 5,000-10,000 की आबादी का ग्राम पंचायत, बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना एक बड़ा कस्बा भी है, वहां पर हम बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम। एक जगह कोई बढ़ई है, उनके लिए शोरूम का निर्माण का कार्य, एक जगह हम लोग किसी के लिए वहां पर सैलून का कार्य हो सकता है, कहीं पर किसी अन्य के लिए और भी काम हो सकता है, हलवाई भी अपना काम कर सकता है, वहां दिन भर अपना मिठाई और चाय भी बेचे, समोसा भी बेचें, और साथ साथ जब शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है उस समय भी वह आराम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। लोगों के यहाँ किराए पे भी कुछ लोगों की ट्रेनिंग करवा करके, क्योंकि अब हलवाई का काम तो वही करेगा जो व्यक्ति रोज इससे जुड़ा हो, पता लगा साल में एक दिन ही व्यक्ति हलवा या पूड़ी बना रहा है और बनाने के लिए गया उल्टा कर दिया, तो उसके बेचारे जिसके यहाँ शादी ब्याह हो गया, कोई कार्यक्रम होगा, तो उसका तो पूरा उल्टा हो जाएगा, इसलिए उसकी ट्रेनिंग उसके साथ जोड़ना, बिक्री भी होगी, हर दिन उसकी कमाई भी होगी, केवल सीजनल नहीं रह पाएगा, वह नियमित रूप से उस प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है, और इसके लिए भी राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई हो रही है। अभी कल जिस स्कीम को प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे, उस स्कीम को के साथ हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान को कैसे जोड़ सकेंगे, इन सबको आगे बढ़ाने का कार्य होना है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तेजी के साथ इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद की, उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन में इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मुझे याद है जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आए, तो उनको हम लोगों ने उस समय समायोजन एमएसएमई यूनिट में ही किया था, वहीं पर उन्होंने अपना कारोबार संभाला था, वहीं पर उन्होंने कार्य करके अपने हुनर का परिचय दिया था, उन लोगों को रोजगार मिला था, और उनको भी कहीं नहीं लगा कि साहब वे अपनी रोजी रोटी छोड़ करके आए हैं तो कोई कार्य नहीं मिला। ये सभी चीजें आगे बढ़ी, तो ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, बैंकर्स की बड़ी भूमिका इसमें है, और मैं इसीलिए यहां पर रिजर्व बैंक के अधिकारी भी हैं, हमारे लीड बैंक के अधिकारी भी हैं, मुख्य महाप्रबंधक स्टेट भारतीय स्टेट बैंक भी हैं, अन्य सभी बैंकर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके महाप्रबंधक हैं, अन्य अधिकारीगण हैं, मैं उन सबसे मेरा आग्रह होगा
कि उत्तर प्रदेश आज भी क्रेडिट डेबिट जो रेशियो है उत्तर प्रदेश का, यद्यपि यह पिछले पांच छह वर्षों में कोविड महामारी के बावजूद 10 से 11 फीसदी बढ़ा है, लेकिन इसको हम लोगों ने 55-56 फीसदी से बढ़ा करके 60 से 62 फीसदी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए बड़े पैमाने पर रोजगार मेलों के आयोजन, ट्रेनिंग डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ना, और फिर और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसमें कठिनाई नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश निवेश के एक नए गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है, एक नए गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, और 36 लाख करोड़ का तो प्रस्ताव था ही। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी एक नया प्लांट उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। कल ही एक एमओयू राज्य सरकार के साथ हिंदुजा ग्रुप ने किया है कि साहब हम लोग यहाँ पे करेंगे 1500 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश यहाँ पे करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे, अनेक लोगों को उसके साथ जुड़ने का, रोजगार करने का, रोजगार प्राप्त होगा। तो पर्यावरण के लिए भी प्रदूषण मुक्त परिवहन की व्यवस्था देने में उत्तर प्रदेश सफल होगा। ऐसे अलग अलग सेक्टर में, हर एक सेक्टर में लोग आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उस प्रकार की तैयारी, उसके लिए रोजगार के लिए नौजवानों की ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग के साथ साथ फिर उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना, राज्य सरकार उसमें बीच में सहयोग की भूमिका में रहे, जिससे बैंक की पूंजी भी न फंसे लेकिन जरूरतमंद को लोन भी उपलब्ध हो जाए, और हर नौजवान, हर व्यापारी, हर उद्यमी, हर महिला प्रदेश के अंदर आत्मनिर्भरता के प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी हस्तशिल्पी और कारीगरों को, जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा की इस जो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है हुनर के रूप में, इस हुनर को जीवित रखा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, पूरा सहयोग कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार है, कहीं पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का शुभारंभ हो रहा है, कहीं डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, नई डिजाइन आपको उपलब्ध हो सके, पैकेजिंग को कैसे हम आपके प्रोडक्ट को बेहतरीन पैकेजिंग के माध्यम से आपको देश और दुनिया के मार्केट में आपके प्रोडक्ट को पहुंचा सकें, इसके लिए भी तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार भरपूर सहयोग करेगी, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के प्रदेश को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भगवान विश्वकर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर आप से मिले आशीर्वचन से हम सब अभिभूत हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री समीर रंजन पंडा, राज्य समन्वयक SLBC को आमंत्रित करता हूं। श्री समीर रंजन पंडा, नमस्कार। परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री राकेश सचन जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार दुर्गा चंद्र मिश्र जी, आयुक्त मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव MSME अमित मोहन प्रसाद जी, क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बालू कच्चपा जी, CGM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शरद चंडक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में जो यहाँ उपस्थित है
वरिष्ठ अधिकारीगण, बैंकर साथियों और यहाँ के स्थानीय और पारंपरिक जो शिल्पकार यहाँ साथियों यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर जो इस कार्यक्रम में आप लोग समाहित हुए हैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हमको मार्गदर्शन देते हैं और जिससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक सुधार में तेजी आ रही है और समय समय पर जो कदम और जो योजना इसमें सम्मिलित होता है इससे हमारे उत्तर प्रदेश पूरे देश में ईज ऑफ डूइंग में सेकंड या द्वितीय स्थान है। और आज इस जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है विश्वकर्मा श्रम सम्मान कार्यक्रम, ये लगभग 5 साल पहले से शुरुआत हुआ था और कोविड महामारी के टाइम में जब पूरा आर्थिक व्यवस्था जो उसको विपरीत रूप दिखाया था और सारे कारीगरों का जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता था, उस टाइम इस विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी और इससे लोगों को बहुत सारी सुविधा मिला था। माननीय मुख्य सचिव जो हमारे बैंकर्स के लिए एक ऊर्जा का स्रोत होते हैं, समय समय पर उन्होंने हमको मार्गदर्शन देते हैं, उनके मार्गदर्शन से हम लोग सब मिलित होके इस विभिन्न कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो हमको टारगेट दिया जाता है उसको पूरा करने में हम कोशिश करते हैं। साथ ही प्रदेश सरकार की जो वरिष्ठ अधिकारीगण, विशेष रूप से एमएसएमई विभाग के अधिकारीगण एवं समस्त बैंकर साथियों के साथियों से जो सफल प्रयास किया गया था जिससे हम 50,000 करोड़ का ऋण स्वीकृति करने का सफल हुए हैं, उसके लिए मैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज उसमें से कुछ लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने चेक प्राप्त किया, चेक की जो सैंपल कॉपी उन्होंने प्रदान किए हैं और जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में मदद कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं बैंक ऑफ बड़ौदा SLBC कन्वेनर ऑफ उत्तर प्रदेश और हमारे बैंकर साथियों के तरफ से आश्वासना देता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की एक लक्ष्य है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे और जो बैंकर की जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा होगा उसमें बैंक अपना सहभागिता करके इसको पूरा करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान हो रहा है, आप सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। गणमान्य विशिष्ट अतिथियों के जाने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय सामने आ रहे हैं, संभवतः एक ग्रुप फोटोग्राफ होनी है। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं, तत्काल अपने स्थान पर बैठें, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं, आप सभी बैठ जाएं, आप सभी बैठें अपने स्थान